जीत के खातिर एक जुनून चाहिए, हो उबाल जिसमें ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीं पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों, मेहनत एक ऐसी सीढ़ी है जो देर से ही सही लेकिन आपको आपके रास्ते ज़रूर मिलती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अगर आपको खुद पर यकीन है तो आपको आपके रास्ते ज़रूर मिलेंगे। जीत हार जीवन का एक हिस्सा है, इसे आप जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। लेकिन सही मायने में जीत तब होती है जब आप अपनी हार से सीखते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको हार सिखाती है वो आपको जीत कभी सिखा ही नहीं सकती। इसलिए अपने आप विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने जो सोच है उसे हमेशा पॉजिटिव रखिए। इसी सोच, इसी विचार के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धरती दुलारी में। मैं हूँ आपके साथ अंकित सेन। और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ बबीता प्रधान। अंकित, बिल्कुल सही कहा तुमने, मेहनत, लगन और इरादे हमारे सपने बदल देते हैं, हमारे सपने साकार कर देते हैं। एक बार तू कोशिश कर, बैठ ना तू हार कर, तू है राही कर्म का, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर। दोस्तों, इस दुनिया में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम हमारे इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल से हासिल करना चाहो, दिल से पाना चाहो किसी चीज़ को, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आज ऐसे ही एक सितारे से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से अपना ये मुकाम हासिल किया है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस गोपाल सिंह भाटी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अंकित, जब छोटे बच्चे हम होते हैं तो खास करके जो बॉयज होते हैं उन्हें गन्स बहुत पसंद होती है, और जब हम उनसे पूछते हैं क्या बनना चाहेंगे तो उनका जवाब होता है पुलिसमैन। तो क्या आपके साथ में भी आपके बचपन में ऐसा हुआ करता था? हाँ, शुरू से ही मेरा पालन पोषण ग्रामीण परिवेश में हुआ है, ग्रामीण परिवेश से मैं पला पड़ा हूँ। तो और बहुत सारे आसपास लोग पुलिस और आर्मी से रिलेटेड थे, तो उनको देख के हमेशा मन में एक कहीं ना कहीं रहता था कि हम लोग भी पुलिस में जाएं, और इस तरह का हमेशा होता। क्या बात है, क्या और बचपन में आप वो पुलिस की ड्रेसेस पहना करते थे, गन लिया करते थे। बिल्कुल जी जी जी, वो कहते हैं ना, जब बचपन में हर किसी का जब भी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है तो सारे जो बच्चे होते हैं उनकी इच्छा होती थी कि मुझे पुलिस की ड्रेस पहनना है, पुलिस वाला बनना है। तो कहीं ना कहीं आपके बचपन में भी कहीं ना कहीं ये चीज हुई। जी जी, आज दोस्तों बहुत सारी बातें हम करेंगे, गोविंद जी के, गोपाल जी जो हमारे हैं उनके बहुत सारी जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे, लेकिन एक मेन चीज़ जो है वो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्द से जल्द अपना फ़ोन उठाइए और हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 01412704999, 01412704098। आपके कॉल्स का हमको बेसब्री से इंतज़ार है। गोपाल जी, आज बहुत सारी हम बातें करेंगे, आपके जीवन के बारे में जानेंगे, जानना चाहेंगे कहाँ आपका जन्म हुआ और जो बचपन का जो दौर है वो कैसा रहा? अंकित जी, मेरा जोधपुर ज़िले में ओसियां गांव है जी, ओसियां के नज़दीकी प्रतापनगर का मैं रहने वाला हूं, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन प्रतापनगर में ही हुई, फिर उसके बाद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन ओसियां में हुई जी। और इस दौरान लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम स्कूल जाते थे, और वो भी अपने आप में एक एडवेंचर था। वो जब सफ़र याद करता हूँ तो वो एक अपने आप में बहुत ही सुखद अनुभव है। उस दौर में हम दोस्तों के साथ जाना, अटकेलियाँ करते हुए स्कूल, और एक ही बहुत ही सुखद अनुभव रहा मेरे जीवन का। और उसी दौर को करते करते धीरे धीरे हम लोग फिर 10+2 करने के बाद कैरियर की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था, थोड़ा जल्दी ही स्वावलंबी होना शुरू से ही एक लक्ष्य था। इसी घड़ी के अंदर मैंने सीनियर सेकेंडरी करने के बाद में एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा कर लिया था और जॉब हासिल कर लिया था सन 2001 में ही जी। फिर कंटिन्यू जॉब करते करते मैंने मेरी उच्च एजुकेशन जो है वो प्राप्त की जी, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये दौर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, ये सब मैंने सर्विस में रहते हुए किया जी, और बहुत अच्छा लगता था। वो जो एक मंजिल की प्राप्ति का दौर है, जो सफ़र है जी, वो बहुत ही सुखदायक रहा, और आज भी मुझे उस चीज़ पे जब याद करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बबीता, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज नवरात्र के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक दिवस भी है, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत खास होते हैं, हमको जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। तो दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को इस चीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें जीवन की हर कठिनाइयों से किस तरीके से निकलना चाहिए वो बताते हैं, वो सिखलाते हैं, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस होता है। क्यों बबीता? क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है, तो हम सभी के लिए एक बहुत ही खास दिवस है। तुम्हें क्या लगता है?
बिल्कुल अंकित, जो वरिष्ठ नागरिक दिवस है वो हम सभी मनाएं, क्योंकि ये वरिष्ठ जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं वो हमारे धरोहर हैं, हमारे रोल मॉडल्स भी हैं, हमें वो संस्कार देते हैं, हमारे कल्चर से वो हमें जागरूक करवाते हैं। तो हम सभी डीडी राजस्थान परिवार की ओर से आपको अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं। गोपाल जी, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज का दिन भी खास है, नवरात्रि भी और अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ दिवस भी है। इस दिवस को आप किस तरीके से देखते हैं? इस मामले में मैं शुरू से सौभाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे वरिष्ठ जन जी हमेशा आशीर्वाद रहा है उनका मेरे साथ में। इसमें मेरे गुरु महाराज स्वामी श्री अडग्रंथ जी महाराज, उनका भी, वो भी वरिष्ठ नागरिक है आज भी। मेरे दादाजी का, मेरी दादी जी का हमेशा मैं सौभाग्यशाली रहा हूँ, उनके पास रह के मुझे सीखने का मौका मिला। और मेरी एजुकेशन के दौरान भी मैं ज़्यादातर जो है मेरा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक मैं उनके पास में ही रहा। और समाज में भी वरिष्ठ जनों का समय समय पर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। और पुलिस में रहते हुए, पुलिस पे आ जाता हूँ डिपार्टमेंट जी, रहते हुए भी हम लोगों का ये प्रयास रहता है, हमारे डिपार्टमेंट का ये प्रयास है, और कमिश्नरेट के अंदर सिटीजन ऐप बना हुआ है, सीनियर सिटीजन ऐप, उसके माध्यम से हम सीनियर सिटीजन से संपर्क रखने की कोशिश करते हैं। हमारे बीट कॉन्स्टेबल वगैरह जो भी है उनको भी ये डायरेक्शंस रहते हैं कि अपने एरिया में जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनके पास में जाके उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके उनकी देखभाल की व्यवस्था की जाए, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हम लोगों को या भी जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको बताएं और त्वरित समाधान किया जाए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रयास आप करते हैं। और वो भी तो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हो तो जीवन में ऊंचाइयाँ मिलती ही रहती है, तो कहीं ना कहीं हम सभी को बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जो हमें मिला है वो ऐसे ही बरकरार रहे, हमारी तो यही दुआ रहेगी। लेकिन आपके जीवन यात्रा में कई लोगों का बहुत महत्व है, जैसा आपने बताया बड़े बुजुर्गों का साथ हमेशा आपको मिला, लेकिन पुलिस में आने का जो फैसला है वो आपने कब लिया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इस विषय में जब मैं 5th class में था जी, तो मेरे परिवार में मेरे अंकल जी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी किया करते थे जी। तो कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स रखी हुई मिल जाती थी जी, उनको लेके और मैं पढ़ता था, तो उसके अंदर इंटरव्यूज प्रकाशित होते थे टॉपर्स के जी। तो वो उस टाइम ही थोड़ी जागरूकता पैदा हुई कि ये सीन आईएएस यूपीएससी टॉपर आरपीएससी टॉपर उनको देख देख के, और फिर मन में एक कोने में था कि अपने को भी इसी लाइन में जाना है जी। और कहीं ना कहीं तो शुरू से ही ये लक्ष्य बन गया था कि मैं इस दिशा में, और फिर कंटिन्यू कोशिश की और आज आपके सामने। अभी आपने बताया कि जॉब के साथ साथ में आपने अपनी पढ़ाई करी, जॉब अंकित जॉब करते टाइम बहुत समय देना पड़ता है जॉब को भी, और साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या आप सोचते थे, क्या आपने सोचा था कि हाँ आज आप ये मुकाम हासिल कर लेंगे? हाँ, मन में आत्मविश्वास पूरा था, एक दिन जरूर हो जाएंगे, और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करके और कंटिन्यू हम लोग पढ़ाई क्या करते थे, जो भी ड्यूटी आवर्स के बाद जो भी समय मिलता था उसका सर्वोत्तम सदुपयोग करने की कोशिश करता था। चीज़ है, क्योंकि जब आप जॉब में होते हो तो पढ़ाई और घर के लिए समय कहीं ना कहीं बचता नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपने बताई, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी। लेकिन जब आपने पेपर क्रैक किया, आरपीएससी का जो पेपर है वो आपने क्रैक करा, तो सबसे पहले ये खुशखबरी घर में किसको सुनाई, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं इतनी लगन से, आप किसी चीज़ के लिए आप इतनी शिद्दत से काम करते हैं और उसमें सफलता मिले तो उसकी जो खूबसूरती है बहुत अनेकों बहुत ही अच्छी होती है, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले जो ये खुशखबरी घर में किसको सुनाई? हमारा आरपीएससी का रिजल्ट जुलाई में आया था जी, 18 जुलाई दिन था, आपको डेट भी याद है जी। हाँ, तो उस दिन मैं जोधपुर में था मेरे परिवार के साथ में, मेरे माता पिता गाँव में थे, तो इस मोबाइल पे ही स्क्रॉल करके हम रिजल्ट देख रहे थे जी। लिंक खोला, पहले पन्ने पे ही रोल नंबर मिल गया सौभाग्य से क्या बात। तो सबसे पहले मैंने मेरे पिताजी को फोन किया, उनकी खुशी एक अलग ही खुशी थी उनको, माताजी को, मेरी दादी सा को और सिस्टर को जी, फिर मेरे अंकल माउंट अबू विराजते हैं उनको सभी को कॉल करके और खुशखबरी दी। क्या बात, बहुत ही अच्छा लगा। जी, ग्रामीण परिवेश से आप हैं, गांव की जो मिट्टी होती है उसकी सुगंध बड़ी ही प्यारी होती है और हम कभी नहीं भूल सकते, तो गांव से लेकर शहर तक का सफर वो कैसा रहा? हाँ, मेरा 2001 से लेकर लगभग 2008-09 तक मैं गांव में ही रहा, वही मेरी जॉब करता रहा और साथ में प्राइवेट एजुकेशन लेता रहा। फिर उसके बाद जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मुझे महसूस हुआ कि नहीं, अपने को शहर में जाना ज़रूरी है, और इसमें मेरे मिसेज का भी योगदान रहा, उसने भी जिद की कि नहीं अपन जोधपुर चल के और वहाँ, तो फिर मैं जोधपुर में आया और
वहाँ पे मैंने मेरी स्टडी रेगुलर की जी। इस तरह से तो इसमें आपकी वाइफ का बहुत बड़ा योगदान रहा। अच्छा, ये तमाम चीज़ों के बाद एक जो पुलिस विभाग की जो ट्रेनिंग होती है पपिता, वो आसान नहीं होती, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको सिखाया जाता है जो आपको पता नहीं होता है। तो ट्रेनिंग का दौर बेहद ही खास रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए भी सभी चीज़ नई है और ये सभी चीज़ें सीखना भी बहुत अच्छा लगता है। नई नई चीज़ें जब आप सीखते हो तो आपको भी अच्छा लगता है। तो ट्रेनिंग का जो दौर है वो कैसा रहा? हाँ, हमारे जो स्टेट सर्विसेज की ट्रेनिंग है दो भाग में होती है। पहला ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल OTS के अंदर हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं 3 महीने का। बहुत ही बढ़िया सुखद रोमांचक अनुभव रहा उस दौर में। विलेज टूर और सिंडिकेट ट्रेनिंग वगैरह पूरा बहुत ही बढ़िया, उसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी सर्विसेज के पीपल के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, जितनी भी राजस्थान के अंदर स्टेट सर्विसेज होती है उनके साथ में। फिर हमारा जो RPS की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर के अंदर हुई, और उस दौरान में हमने हमारे उस्तादों से बहुत कुछ सीखा। वो हमारे लिए उस टाइम तो थोड़ा अजीब सा लगता था जब हम ट्रेनिंग का वो दौर था, लेकिन आज जब हम उस दौर को याद करते हैं तो जीवन का एक अमूल्य दौर था। और जब हम दोस्त लोग मिलते हैं उसको याद करते हैं तो बहुत ही रोमांचक, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो चाहे स्विमिंग का दौर हो, वो प्रत्येक पल एक नया एक्सपीरियंस देता था हमें और बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज भी जो हमारे ट्रेनिंग के उस्ताद है उनके प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान रहता है, सभी लोगों के प्रति बहुत आदर भाव। वो हमारे गुरुजन हैं, सभी गुरुजनों के प्रति बहुत सम्मान रहता है। कोई किस्सा आपको याद हो अपनी ट्रेनिंग के वक्त के दौरान? वैसे तो बहुत से खट्टे मीठे अनुभव रहे ट्रेनिंग के दौरान जी। लेकिन विशेष तौर पे हॉर्स राइडिंग का जो दौर होता था तो उस टाइम में बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस रहा था वो, और स्विमिंग के टाइम भी और हॉर्स राइडिंग के टाइम भी। और लेकिन उसको सच्चे अर्थों में एंजॉय किया हम लोगों ने और बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो गांव से यहाँ आना, क्योंकि गांव की जो महक होती है बहुत ही खूबसूरत होती है, और आपका जो गांव है, जब आप स्कूल जाते थे तो 4-5 किलोमीटर आप पैदल सैंड ड्यून्स में चलते थे, वो एक काफ़ी एडवेंचरस ट्रिप था। तो आपको किस तरह का, कभी मन में नहीं आया कि मैं कहाँ आ गया, कि मैं पहले घर पर अच्छा था, गाँव में अच्छा था, इस तरह के थाट्स आए? क्योंकि गाँव में आपकी बहुत ही खूबसूरती होती है, एक अपनापन सा होता है, और जिस तरीके से आपका जो एडवेंचर ट्रिप होता था उसके बारे में भी जानना चाहेंगे हम, कि किस तरीके से आप 5 किलोमीटर जाना आना होता था, तो वो दौर रहा, और ट्रेनिंग का उस चीज से आपको कितना फायदा मिला? क्योंकि आप जब 5 किलोमीटर जाते थे तो कहीं ना कहीं वो भी एक ट्रेनिंग ही थी, एडवेंचरस ट्रिप रहता था आपके लिए भी, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, उसका ट्रेनिंग में हमें बहुत फायदा मिला। जैसे ये फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह के अंदर, जैसे हम लोगों को 5 किलोमीटर डेली हम स्कूल जाते थे, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर का हमारा रूटीन टाइम था, तो बचपन से ही इस तरह की आदत थी, तो थोड़ा इजी रहा हम लोगों के लिए ट्रेनिंग करना, और बहुत ही सुखद उसके अंदर हम लोग आराम से अपना जो ट्रेनिंग था वो कर पाए और किसी तरह की कोई समस्या हमारे सामने नहीं आई। ठीक जी। ट्रैफिक रूल्स पे आजकल पुलिस वो काफ़ी फोकस कर रही है और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी हो गई है, और जो पुलिस है उनका मेन फोकस यही है कि हाँ कोई गलती ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, उसके बारे में आप हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रैफिक रूल्स है वो अपने लिए ही बने हुए हैं, जनता के लिए ही है जी। और पुलिस तो हम लोग जनता के लिए ही काम करते हैं, जनता की एक सर्विस सेक्टर है, जनता को सेवाएं देने की कोशिश करते हैं, और इसमें ट्रैफिक रूल्स एक आम नागरिक का, हम सब का दायित्व है कि हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वो हमारे लिए ही बने हुए हैं ट्रैफिक रूल्स। और ये दूसरी चीज़ें जो है जुर्माना वगैरह वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा अपन खुद रहेंगे अपनी सेफ्टी के लिए, जान है तो जहान है, और इसके लिए हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और इसके मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा इस मामले में कि हमें जो भी ट्रैफिक रूल्स है या नियम बने हुए हैं उनकी पालना करनी चाहिए, और देश के एक योग्य नागरिक का हमें कर्तव्य निभाना चाहिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो हमारे सेफ्टी के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा होती है। तो ये तमाम चीज़ों का दोस्तों आप भी ध्यान रखिए, कहीं जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जाइए, ना ही सिर्फ हेलमेट पहने, आज एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहने, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि लोग बाग सिर्फ चलान से बचने के लिए हेलमेट पहन लेते हैं, तो एक अच्छा ASI मार्क का हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी सुरक्षा जब तक आप नहीं करेंगे तो महत्व नहीं रहेगा। ये जिंदगी बहुत कीमती होती है, जितना आप इसे संजो के रखेंगे इतनी खूबसूरती से ये महकेगी। तो तमाम चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट का ध्यान रखिए, स्पीड का ध्यान रखिए, तो जितना आप इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे उतना खुद की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही अच्छी चीज़ गोपाल जी आपने बताई, लेकिन बात कर रहे थे हम ट्रेनिंग के दौर की, कितना डिफरेंस आ चुका है ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि पहले से लेकर अब तक कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में भी फ़र्क आ चुका है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर क्राइम भी बढ़ चुका है, तो ट्रेनिंग में कितना डिफरेंस आप देखते हैं? हाँ, अभी जो वर्तमान में जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसके अंदर
साइबर ट्रेनिंग और ये जो टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन इन सब चीज़ों को समाविष्ट करने की कोशिश की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, और पुलिस की ट्रेनिंग एक समग्र ट्रेनिंग बनाने की कोशिश चल रही है। तो इसके अंदर जैसे फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग और हमारा जो आउटडोर ट्रेनिंग उसके साथ इनडोर ट्रेनिंग के अंदर साइबर एक्सपर्ट को बुला करके और वो ट्रेनिंग भी दी जा रही है, अच्छे अच्छे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और कंटिन्यू यह प्रयास किया जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर पूर्ण ट्रेंड होके और फील्ड में आए। जी। क्या बात? आपने साइबर ट्रेनिंग की बात करी तो आज के वक्त, आज के इस परिवेश में साइबर क्राइम बहुत बड़ी समस्या बन गई है, उनसे बचने के लिए हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। साइबर क्राइम आज के समय में समाज के लिए और हम सब के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। तो इसके अंदर जो भी साइबर ठग है वो नित नए तरीके आजमा रहे हैं, जैसे कोई लिंक भेज करके और उस पर क्लिक करवाते हैं, पिन पूछकर, एटीएम पासवर्ड चोरी करके, हैकिंग। तो इन सब चीज़ों से आम जनता को भी अवेयर रहने की ज़रूरत है और हमें अपना पिन ओटीपी पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है और कोशिश यही करनी है कि हम अपना जो निजी डेटा है, अपना पर्सनल डाटा, वो किसी के साथ किसी भी तरह से शेयर नहीं हो। और सबसे बड़ा तो आजकल के कोई सी बैंक का लिंक भेजा जाता है या बैंक से फोन किया जाता है, जबकि मैं बता दूं कोई भी बैंक, कोई भी संस्था इस तरह से ना तो अपना ओटीपी मांगती है, अकाउंट नंबर वगैरह या पासवर्ड, ऐसा कोई भी हमें ना तो आरबीआई मांगता है ना कोई दूसरे बैंक मांगते हैं। तो पूर्ण जागरूक रहने की जरूरत है और जागरूक रह के और इस मामले में अपन रोक सकते हैं। और साइबर क्राइम वास्तव में एक चैलेंज बनता जा रहा है, तो इसके अंदर अपने को जो है आपको बिल्कुल जागरूक रहने की ज़रूरत है 100%। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई कि किस तरीके से हमको इन तमाम साइबर क्राइम के जो हमारे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो फ्रॉड पीपल होते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन झांसों में हम फंस जाएं, लेकिन आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत अवेयरनेस वाला मैसेज दिया कि तमाम चीज़ों को हमको ध्यान रखना चाहिए। आपका ओटीपी नहीं, जो ओटीपी बैंक के द्वारा आता है वो बताना नहीं चाहिए, अपना पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, कार्ड का सीवीवी जो नंबर होता है उसे शेयर नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ट्रिक होती है किस तरीके से आपको फंसाया जाए। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, जैसा कि हमारे गोपाल जी ने बताया। गोपाल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है फैमिली सपोर्ट, क्योंकि फैमिली सपोर्ट अगर होता है तो एक बूस्टअप मिलता है, मॉरल सपोर्ट मिलता है। ये फैमिली सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये ताकत देता है इन तमाम परिस्थितियों से निकलने के लिए। तो फैमिली की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा, आपकी वाइफ की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली की तरफ से जीवन के इस दौर में हमेशा ही मेरा सपोर्ट रहा, पूरा सपोर्ट रहा। मेरे शुरू में मैं गांव में मेरे दादा दादी के पास मैंने पढ़ाई की उस टाइम में, फिर माता पिता के साथ रहा जोधपुर के अंदर और उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, और मिसेज शादी होने के बाद उसने कंटिन्यू मुझे सपोर्ट किया, जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया था उस तक पहुंचने के लिए उसने हमेशा मेरा साथ दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस बीच हम एक फोन एक कॉलर से जरूर जुड़े हैं। जी जी, हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं डिप्टी एसपी की मिसेज बोल रही हूँ। बहुत स्वागत है मानती धरारी कार्यक्रम में। आज गोपाल सर हमारे साथ में हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भविष्य में ये इनसे भी और ज्यादा आगे बढ़े जी, और बाकी पुलिसिंग में इनका अच्छा है, मतलब अटैचमेंट, और भविष्य में इससे भी और आगे ज्यादा बढ़े और इनको इनसे भी आगे सफलता मिले। और क्या बात है, ऐसी क्या कौन बात सी बातें हैं जो सर की आपको बहुत अच्छी लगती है? जी, इनका नेचर, सर का नेचर आपको बहुत पसंद बहुत अच्छा लगता है। आपके जो चेहरे की स्माइल है वो देखकर पता लग चुका है कि आप कितना ज्यादा मैम की तरफ डेडिकेटेड हैं। जी, लेकिन वो भी तो एक बात आती है कि मैम से पहली मुलाकात कब हुई थी आपकी, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरी अरेंज मैरिज थी जी। हाँ जी, और शादी के बाद ही पहली मुलाकात जी। तो आज कुछ क्या स्पेशल डेडिकेट करना चाहेंगे मैम को हमारे माध्यम से? मेरी एक सफलतम जीवन संगिनी कहूंगा, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, साथ निभाया, और जीवन के कठिन दौर में भी वो मेरे साथ रही जी, और मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जी। उसके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। इतने खूबसूरत शब्द सर ने कहे हैं आपके लिए, आप क्या कहना चाहेंगी सर के लिए? बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जीवन पर ऐसे ही साथ बना रहे, कोई भी परिस्थिति में ये साथ देते रहे। जी जी, गोपाल जी, आपका जो जॉब है वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा है, आसान नहीं है वो काम, तो घर को कितना समय दे पाते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं मैम को, घर को, ऑफिस को?
नहीं, हमारे जॉब में निस्संदेह समय की कमी रहती है कई जी बार, जी तो कोशिश यही रहती है कि जो भी समय मिले उसको जी ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को देने की कोशिश जी करता हूँ, बिल्कुल बच्चों के साथ समय बिताने की, जी वीकेंड पे जब जी भी समय मिलता है तो उस दौर में, और फैमिली को मैं साथ में रखता हूँ और साथ में रहते हैं, तो उस टाइम जी कहीं ना जी कहीं टाइम देने की जी जी कोशिश जी करता हूँ ये पूरा बात मैं परिवार मैम को से ही कंफर्म करना चाहूंगी कि आपकी जी कोई नाराजगी तो नहीं है सर से कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, वक्त पे घर नहीं आते हैं? नहीं मैम, ये है कि बिजी शेड्यूल तो है ही इनका, जी जब भी टाइम मिलता है तो वो अच्छा है। अब इनकी भी मुझे पता है कंडीशन क्या है, अब ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल, जी बहुत थैंक यू खूबसूरत थैंक बहुत यू खूबसूरत, थैंक आपका यू सो बहुत मच बहुत मैम, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सी बातें हम जानेंगे आपके जीवन यात्रा के बारे में, बहुत कुछ पता भी लग रहा है, लेकिन वो फीलिंग अलग होती है जब आप पहली बार जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत करी और वो यूनिफॉर्म आपने पहली बार, वो खादी वर्दी जब आपने पहली बार पहनी थी, तो वो फीलिंग क्या थी? क्योंकि हर एक यूनिफॉर्म की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो आर्मी नेवी हो या पुलिस हो, तो पहली बार जब आपने जो यूनिफॉर्म पहनी थी तो वो कैसी फीलिंग आपके अंदर आई थी, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। मुझे याद है वो दिन जब हमारी पासिंग आउट परेड हुई थी जी 23 दिसंबर 2016 को, जी जी और बहुत ही एक मतलब यूं लग रहा था जैसे हम तारे ज़मीन पर, मतलब एक तरह से बहुत ही जी बढ़िया जी एक्सपीरियंस था बिल्कुल हमारा। जी और उसमें उस दिन वर्दी पहनने के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा था कि आज जी हम इतने दिन तो ठीक है, चलो जो भी एज ए जो ट्रेनिंग में भी कर रहे थे। ट्रेनिंग जी जी ट्रेनी थे, लेकिन आज एक अधिकारी बन गए हैं तो जिम्मेवारी का एहसास भी हुआ, जनता के लिए कुछ करने की तमन्ना भी एक दृढ़तापूर्वक जगी, जी और कोशिश उसके बाद यही रही कि हम ये जो वर्दी है इसको, इसके दायित्व को निभाएं जो बिल्कुल हमें आज खाकी बिल्कुल मिली। बिल्कुल, कहीं ना बिल्कुल कहीं बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। यस पहली जो पोस्टिंग होती है गोपाल जी, बहुत स्पेशल होती है क्योंकि नया नया मामला होता है, थोड़ा हेजिटेशन होता है मन में, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो पहली पोस्टिंग याद है आपको कहाँ मिली थी और वो जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा आपका? हाँ, उदयपुर में प्रोबेशन के जी बाद मेरा प्रथम पदस्थापन डूंगरपुर जिले में हुआ था। जी वहाँ मुझे बहुत ही अच्छा काम करने का मौका मिला, एक अलग कल्चर था वहाँ पे, आदिवासी कल्चर, 73% आबादी वहाँ की जी लोकल आदिवासी है, जी उनके साथ काम करने का मौका मिला। जब शुरू शुरू में हम गए तो थोड़ा एजिटेशन था कि बिल्कुल कल्चर अलग है, कैसे हम लोग कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे काम करते गए तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों के साथ हमने तारतम्य बैठाया, उनकी समस्याएं थी उनका समाधान किया। और जब मैं वहाँ से वापस, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ जयपुर हुआ, तो उस टाइम मैं पूरा संतुष्ट था कि मैंने अच्छे से मेरे दायित्व को निभाया। क्या बात है जी जी क्या बात बिल्कुल, है। आम जनता में और पुलिस में एक डिस्कनेक्ट रहता है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि पुलिस और जो पब्लिक है वो आपस में फ्रेंड बन जाए? पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन पे हमारे विभाग द्वारा भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। जी इस मामले में हमारे कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप्स के माध्यम से हम आम जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जन सहभागिता कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना, और दूसरा एक जो है, हम हर समय परिवादी के लिए भी, हमारे जो थाना स्तर पे और अधिकारी स्तर पे भी ये प्रयास रहता है कि हम परिवादी को सुन के और उनकी समस्या का ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करें। जी इस मामले में हमारे बीट बने हुए होते हैं, तो बीट कांस्टेबल वो जनता के बीच में सप्ताह में एक दो बार जाता है, उनकी समस्याएं सुनता है, फिर उन समस्याओं को वो बीट अधिकारी को बताता है, फिर बीट अधिकारी जो भी समस्याएं होती है वो अपने थानाधिकारी को, थानाधिकारी से वो समस्याएं फिर जो भी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, और इस जी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़ने की कोशिश की जाती है। जी 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 बिल्कुल बहुत और अच्छी बात हम बताई, कई जी हद तक उसमें सफल भी है, बहुत अच्छी बिल्कुल बात बिल्कुल बताई, बिल्कुल बिल्कुल जी। जी। और ये आम जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों कि हम भी पुलिस का रिस्पेक्ट करें, उनसे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाएं और उनकी बात माने भी, उनकी आज्ञा का पालन भी करें, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा वक्त आप सभी की सेवा में ही लगाया है, तो हम इस बात को ज़रूर समझें और हम अपना अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएँ। जी बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं गोपाल जी, लेकिन वर्तमान में आप ACP हैं, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां आपके पास है और किस तरीके से इन तमाम सिचुएशंस को आप डील करते हैं? वर्तमान में मैं ACP झोटवाड़ा के पद पर जी हूँ। जी यहाँ मेरे हमारे चार थाने हैं, करधनी, कालवाड़, मुरलीपुरा और झोटवाड़ा, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे जयपुर का। यहाँ पे थोड़ा अलग तरह के क्राइम से, मेट्रो सिटी है तो थोड़ा अलग तरह की जी काफ़ी एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, साइबर क्राइम यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो जी रहा है और दूसरे क्राइम से भी अलग अलग तरह के हैं, जी तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याओं को समाधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे मुझे जी सीखने को जी मिला। जी गोपाल जी, हर एक केस कहीं ना कहीं अलग होता है,
उसको दूसरी तरीके से भी सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हम तमाम सिचुएशन को डील करें। क्या माइंडसेट रहता है जब इस तरीके की सिचुएशंस आपके पास आती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस हैं आपके पास आते हैं, उस वक्त आपके माइंड में क्या कुछ चलता रहता है, किस तरीके से इन सभी समस्याओं को आप दूर कर पाते हैं? इस मामले में जो परिवादी जो हमारे पास लेके आता है शिकायत, तो कोशिश यही रहती है कि उसको त्वरित न्याय मिले जी। और उसके लिए बिल्कुल निष्पक्ष सभी एंगल को देख के और कानूनी रूप से जो भी सही हो वो करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास ये रहता है कि मैं सही करें, निष्पक्ष करें और कानूनन सही हो। जी। वुमेन सेफ्टी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण, पुलिस उसका बहुत खास करके ध्यान भी रखती है, एंड आप लोग ने बहुत सारे कार्य भी करे हैं कि वुमेन कहीं ना कहीं सेफ रहे और हम खुद से भी अपनी रक्षा करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट में पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अंदर सबसे मेरा मानना ये है कि वुमेन्स को कानून की जानकारी होनी चाहिए, जो भी लीगल एस्पेक्ट्स हैं उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और दूसरा जो है, अभी हमारे विभाग द्वारा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, इसके लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो जिला स्तर से ट्रेनर्स लेकर के और उनको राज्य स्तर पर ट्रेनिंग दी जा रही है, फिर बाद में उनको एक पूरा चैन बना के स्कूल एजुकेशन तक, जो भी गर्ल्स स्कूल है वहाँ तक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की कोशिश की जा रही है। इस तरह से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे प्रयास हमारे विभाग द्वारा किए जा रहे हैं और निरंतर जारी है। गोपाल जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन एक काम बहुत ज़रूरी होता है, वो है डिसीजन मेकिंग का। क्योंकि बहुत से ऐसे डिसीजन आपको स्पॉन्टेनियसली लेना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको किस चीज़ से ज़्यादा मदद मिलती है, आपकी ट्रेनिंग से आपको ज़्यादा मदद मिलती है, या जो आपको जो वर्क एक्सपीरियंस हुआ है उससे आपको जो फैसला लेने वाली जो बात होती है वो किस तरीके से लेते हैं, किससे मदद ज़्यादा मिलती है? देखिए, डिसीजन मेकिंग में ट्रेनिंग का तो योगदान रहता ही है जी, लेकिन व्यक्ति जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो अनुभव अनुभव से जो सीखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे हम अनुभव होता रहता है, हमें परिस्थितियों से हम गुजरते रहते हैं, नए नए डिसीजन लेते रहते हैं, तो उसमें आसानी हो जाती है डिसीजन लेने के अंदर। और कोशिश यही रहती है हमारी कि हम जो कानूनन रूप से सही हो वही डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं और जनता का तो जो समस्या है उसका त्वरित निदान भी हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। लेकिन गोपाल जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हेलो जी, बिल्कुल। हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? सर कौन बोल रहे हैं? ओम प्रकाश चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका धरती धुरारी में। आज एसीपी साहब गोपाल जी हमारे साथ बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी, डिप्टी एसपी जोधपुर से, और गोपाल सिंह जी बाटी मेरे वहीं जोधपुर ओशिया के ही रहने वाले हैं। इनके साथ ही हमने तैयारी की थी जी जी, और कंपटीशन जब आप जोधपुर में तैयारी कर रहे थे, मैं भी तैयारी कर रहा था, उसी समय हमारी मुलाकात हुई थी जी जी। और किस्मत से साथ ही हमें एक ही डिपार्टमेंट मिला। मैं समझता हूँ शायद मेरे जीवन के बहुत बहुत अच्छे मित्र हैं वो मेरे गोपाल जी 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 जी। गोपाल जी आपके मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनको? जी, ओम प्रकाश जी मेरे संघर्ष के साथी भी रहे हैं, हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी साथ में तैयारी की, और फिर बाद में जो भी जोधपुर में काफी हम लोगों को टाइम साथ में बिताया हमने, और फिर सौभाग्य से हम लोगों दोनों को पुलिस डिपार्टमेंट मिला। क्या बात है। साथ में ट्रेनिंग करने का एक बहुत ही अजीज मित्र है मेरे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही जी जी। तो आज भी क्या वही गर्म जोशी से मुलाकात होती है, क्योंकि आप लोगों का जो काम है वो आसान नहीं होता है, जब भी मुलाकात होती है तो वही गर्म जोशी के साथ मुलाकात होती है? बिल्कुल सर, मुलाकात तो उसी गर्म जोशी से होती है। हालांकि मेरी शिकायत भी रहती है, मैं कई बार ड्यूटी में जयपुर जाना हो जाता है, मैं घंटी करता हूँ मैं आया हुआ हूँ जयपुर, तो बोलते हैं कि ठीक है आप आधा घंटा वेट कीजिए, वो शायद वेट मेरा 2 घंटे का हो जाता है। जी बिल्कुल, संपर्क में रहते हैं जी 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 जी। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू थैंक यू। आपके फ्रेंड ने आपको कॉल करा और काफी अच्छे शब्द उन्होंने आपके लिए कहे। बात करते हैं अगर आपकी लाइफस्टाइल की, तो अपने आप को आप समय कैसे दे पाते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि ड्यूटी करते वक्त हम लंच करना भूल जाते हैं या डिनर करना भूल जाते हैं, तो अपने मानसिक विश्राम के लिए आप क्या करते हैं? समय में से ही समय निकालने की कोशिश करते हैं जी। इसमें शहर में हमारी जो डेली रूटीन है वो थोड़ा लेट 10 बजे के आसपास शुरू होती है, फिर ऑफिस जाके हमने अपने डेली जो कामकाज है वो निपटाते हैं, फील्ड में जहाँ पे भी जरूरत होती है वहाँ जाते हैं, और
जो समय बचता है वो परिवार को देने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, इस तरह से टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल करते हैं और बढ़िया। आपका जो काम है गोपाल जी, कहीं ना कहीं आसान नहीं है, बहुत सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, लेकिन किस तरीके से आप स्ट्रेस को डील करते हैं, वर्कलोड जो काफी होता है आप लोगों के पास, उसको किस तरीके से डील करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें बहुत जरूरी होती है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए और वर्कलोड किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, उसके लिए क्या कुछ आप करते हैं? इसके लिए मेरा प्रयास यही रहता है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी समय मिलता है उसके अंदर वॉकिंग पे निकल जाता हूँ, अकेला वॉक करता हूँ और कोशिश करता हूँ। और एक फोक सॉन्ग मेरी हॉबी रही है, राजस्थानी फोक सॉन्ग। क्या बात है, तो वो भी सुनता हूँ। कौन सा फोक सॉन्ग जी? वैसे तो कई सारे फोक सॉन्ग्स है, लेकिन वैसे जो आपका ये अपना कार्यक्रम हुआ धरती धुरारी, ये भी मेरा पसंदीदा फोक सॉन्ग है। बिल्कुल, ये धरती धुरारी जो हमारी धरोहर की धरती है, कहीं ना कहीं कन्हैया लाल सेठिया जी ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करा है, और कहीं ना कहीं ये एक राजस्थान की पहचान बन चुकी है। तो ये चीज़ हम सभी की एक पहचान है, राजस्थान की एक पहचान है। तो कन्हैया लाल सेठिया जी को भी इस माध्यम से हम नमन कर लेते हैं बबीता। तो बातचीत का सिलसिला आगे कराएं, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो डूंगरपुर में भी रहा है, तो वो एक्सपीरियंस के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे, कैसा कुछ रहा, वो दौर कैसा रहा? डूंगरपुर में जो मेरा प्रथम पदस्थापन हुआ उस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला जी। वहाँ की जनता का जो अलग टाइप का आदिवासी कल्चर, तो एक नए एनवायरनमेंट में मुझे काम करने का मौका मिला जी। और जनता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश की, उनके साथ गांवों में जाते हम लोग और पब्लिक के साथ वात्सल्य वार्ता के माध्यम से बच्चों से अटैच होने की हमने कोशिश की। वहाँ पे एक यूनिसेफ का प्रोग्राम चल रहा है वात्सल्य वार्ता, तो वहाँ हमें बहुत अच्छा मौका मिला उसके माध्यम से, और बच्चों से जुड़ करके और जो भी उनकी जमीनी लेवल पे जो समस्याएं थी उनको समाधान करके करने की कोशिश की हमने। गोपाल जी, एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है कि लोग बागों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी होता है कि जो वर्दी है उससे डरते हैं, लेकिन ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। वो डर को किस तरीके से हटाया जाए, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, जब तक एक कंफर्ट लेवल नहीं होगा, वो बातचीत का दौर नहीं शुरू होगा, तो वो बात नहीं बनेगी। तो किस कुछ इस चीज़ का हम क्या कुछ निवारण निकाल सकते हैं? बेसिकली पुलिस जो है वो जनता के लिए ही बनी है। बिल्कुल, हम जनता की सेवा के लिए ही है। हाँ, और पुलिस का भी ये प्रयास रहता है कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा हम जनता को एक सर्विसेज पहुंचा सकें, जो भी उनकी समस्या है उसका हम कानूनन निदान कर सकें। तो इस तरह की तो कोई बात नहीं है कि जो वो है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि हम जनता के साथ जुड़े, उनकी समस्या का समाधान करें। और लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि पुलिस जो है वो आपकी सेवा के लिए, इनसे डरने वाली कोई बात नहीं होती। अपनी समस्या उनको बताइए, आपके जो मन में है उनके पास लेके आइए, वो आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। बिल्कुल गोपाल जी, आपका जो कहीं ना कहीं बबीता इनका जो काम है वो आसान नहीं होता। सबसे चैलेंजिंग पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे चैलेंजिंग पार्ट कौन सा रहता है आपकी जॉब प्रोफाइल के अंदर? जब कोई केस हमारे सामने आता है तो पहला प्रयास हमारे पास चैलेंजिंग यही रहता है कि इसके अंदर सही को निकाल करके और सही करने की कोशिश की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सभी बिंदुओं पर, सभी फैक्ट्स पे, एस्पेक्ट्स को देख करके और कानूनन सही करने की कोशिश की जाए। इसमें चैलेंजिंग रहता है, कई बार कई चीज़ें होती है देखने को मिलता है, तो कोशिश कानूनन हम लोग सही कर पाए। जी 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 जी, जन सेवा में आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, अब आगे आने वाले समय में फ्यूचर प्लानिंग क्या है? यही कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर सकें, जो हमें मौका मिला है पुलिस के माध्यम से, तो कोशिश यही है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा और पॉजिटिवली जनता की सेवा कर सकूं। जी, और साथ ही में हम सभी का भी कर्तव्य है कि हम आप सब आपकी बातों को फॉलो करें, सारे रूल्स फॉलो करें। हमारे इस कार्यक्रम धरती धुरारी के माध्यम से जो यूथ हैं, जो आप जैसा बनना चाहते हैं, बुलंदियों पर जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमेशा आत्मविश्वास के साथ अपना जो भी लक्ष्य है उसको पॉजिटिव रह के जीवन में अगर हम कोशिश करते हैं तो 100% कामयाबी मिलेगी। पुलिस विभाग का जो स्लोगन है गोपाल जी, वो है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। तो इस स्लोगन को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो स्लोगन है बहुत कुछ कह देता है अपने आप में ही, तो इस स्लोगन को आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, हमारा पुलिस का यही प्रयास रहता है कि आम जन के अंदर विश्वास हो, इसके लिए हम पुलिस जो है आम जनता के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आम जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनमें विश्वास कायम करने की। और मैं विश्वास के साथ कहना भी चाहूंगा कि आमजन का विश्वास बढ़ा है पुलिस के अंदर और निरंतर बढ़ रहा है। बिल्कुल, और ये प्रयास आप बहुत अच्छा प्रयास हमारा
जो है ये सुखद परिणति की ओर जा रहा है, और अपराधियों में भय वो तो होना ही है और होना भी चाहिए, और इसके लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह के क्राइम को बढ़ावा नहीं मिले और अपराधियों में भय कायम हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं होना भी जरूरी है तमाम चीजों का, आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन गोपाल जी, आपको क्या लगता है किस तरीके से एक सेफ सोसाइटी बनाई जा सकती है, आपकी ओपिनियन क्या कहती है? प्रत्येक नागरिक को दायित्व है कि हम जागरूक रह के कानून के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग कानून का पालन करके और जो भी नियम बने हुए हैं उनकी पालना के द्वारा हम एक सफल सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। अभी डिसीजन मेकिंग की बात अंकित तुमने की थी, तो मेरे मन में एक सवाल था, जब भी आपके सामने कोई केस आता है, कोई सिचुएशन आती है, तो उसके वो एक डायलेमा सिचुएशन होती है, आपको सोचना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। आप एक ACP हैं, तो आपकी थिंकिंग क्या रहती है, आप कैसे वो डिसीजन ले पाते हैं? बिल्कुल, इस तरह की कंडीशन आती है हर बार हमारे सामने, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम कानूनी रूप से जो भी सही हो वो करें, करने की कोशिश करते हैं, और जो पब्लिक ग्रीवेंस है उसका समाधान भी हो और जो कानून सही हो वो करें। और इसके अंदर प्रत्येक केस में कई बार ये होता है कि कोई अतिशोक्तिपूर्ण भी होता है, तो सच्चाई जानने की कोशिश की जाती है, करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। बिल्कुल, कहने की जो सच्चाई है उसमें बहुत कुछ चीज़ें छुपी रहती है, वो आप जानकर रहते ही रहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे कि आपने बताया हम सभी की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है गोपाल जी कि समाज के प्रति एक सेफ सोसाइटी बनाने के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे समाज की क्या जिम्मेदारी आप मानते हैं? हमारे समाज के प्रत्येक, अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर हम अच्छे नागरिक के दायित्व को निभाएं तो कोई नहीं रोक सकता। एक अच्छा समाज वो नागरिकों से मिलकर ही बनता है, और प्रत्येक नागरिक अपने जो नैतिक दायित्व को, उच्च नैतिक दायित्व और नियम कानून जो भी बने उनकी पालना करें तो एक सफल सोसाइटी का निर्माण अवश्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन बबीता, तुम्हें बता दूं कि जो गोपाल जी, इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी काफी काम करा है, तो उनसे जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए आपने जो कार्य करे हैं उसके बारे में जानना चाहें। मेरा पहला पदस्थापन डूंगरपुर जिले में हुआ था। डूंगरपुर स्वच्छ भारत अभियान का बहुत ही राजस्थान के अंदर और भारत में भी एक अच्छा उदाहरण है, और वहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिला किस तरह से उन्होंने, एक छोटा जिला है लेकिन बहुत ही अच्छा काम वहाँ के नागरिकों ने स्वच्छता के क्षेत्र में किया, और मुझे भी वहाँ रह करके और कुछ योगदान देने का सौभाग्य मिला। और डूंगरपुर राजस्थान में अपना स्वच्छता में पहले नंबर पर है, और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और इसके माध्यम से मुझे भी वहाँ काम करने का मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल, और दोस्तों ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे आसपास के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, जिससे हम किसी भी बीमारी का शिकार ना बने। स्वच्छ भारत मिशन का हम दिल से हम उसको फॉलो करें, और हमारे आसपास हम कभी भी गंदगी ना फैलाएं। अगर कुछ हमको गार्बेज भी डालना हो तो वो डस्टबिन में डालें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत का इरादा, एक गाना चलते हुए एक वैन हमारे घर के नीचे रोज आती है, तो जब वो आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी मेहनत जरूर करें, अपना जितना भी वेस्ट है उसमें जरूर डालें। और कहीं ना कहीं इसी में एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि जो परिवर्तन आ चुका है लोगों की सोच में, परिवर्तन आ चुका है। आज जब वो गाना बजता है स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, तो लोगों को पता होता है कि उसमें कचरा डालना है। तो आपको क्या लगता है, अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है लोगों में, पहल कर रहे हैं जानबूझ के, आज के जो युवा है उनको अपना हक पता है, आपके ओपिनियन क्या कहते हैं? ये जागरूकता जो है सबसे बड़ा फैक्टर वही है। जैसे जैसे हम अपने कर्तव्य के प्रति, कर्तव्य इम्पोर्टेंट है, अधिकार के लिए तो अपन करते ही है, लेकिन कर्तव्य के प्रति हम जागरूक रहेंगे तो उसी टाइम परिवर्तन का दौर शुरू हो जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा मिशन है, और इसमें ये जो आप जो बता रहे हैं, सुबह सुबह जो वैन आती है घर के आगे, तो हर आदमी अलर्ट हो जाता है, उसको अपने कर्तव्य का बोध हो जाता है, नहीं मुझे ये करना है। और सबसे बच्चे भी इस हमारा से संदेश वाहक है इस मामले में, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस आनी चाहिए और लोगों में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, थैंक यू सो मच सर। तो बबीता आप चला जाए क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं किया कि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ थे गोपाल सिंह भाटी जी, जो कि ACP हैं, जिनकी जीवन यात्रा कहीं ना कहीं हम सभी को बहुत कुछ सिखाती है कि किस तरीके से अगर आपके मन में एक विश्वास हो तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो बबीता चला जाए। बिल्कुल, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम आपको ऐसे एक सितारे से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और लगन से अपना ये मुकाम हासिल किया है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इनकी पर्सनैलिटी से बहुत कुछ सीखा भी है। तो मैं आपसे ये गुजारिश भी करूँगी कि आप सभी नियमों का पालन करें,
करें, ट्रैफिक रूल्स कभी ना तोड़े, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रखें। आज के लिए इजाज़त लेते हैं अगले कार्यक्रम से, एक नई पर्सनालिटी से आपको हम वापस से मिलवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। मैं हूँ बबीता प्रधान और मैं हूँ आपके साथ अंकित सिंह। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी सफर में। तब तक खुश रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए और देखते रहिए डीडी राजस्थान। फिर मुलाकात होगी।